के मुमरा वालों ने सबने अपनी मर्यादा संभाली, इसलिए आज पेशेंट कम है। मुझे इसका पता है कि भूख के आगे किसी का कुछ नहीं चलता है। घर वाले हैं, बीवी है, माँ है, बाप है, घर संसार चलाना पड़ता है। धंधा व्यापार बंद है 4 महीने से, अब कितने दिन बंद रखेंगे? अपने आप को संभाल के धंधा करो। आज मुमरा थाना में सबसे कम पेशेंट मुमरा में आ रहे हैं। मैं तो आपको सबको मुबारकबाद देता हूँ। लड़ाई इधर खत्म नहीं होती है। वो मंजर याद करो जब ईद, रमजान ईद के बाद कैसे पेशेंट आए थे और कितने जनों के इंतकाल हुए थे। अब उस भयानक परिस्थिति से हम बाहर आए हैं। अब अपने आप को संभालो। P1 P2 का इशारा मैंने दे दिया है, P1 P2 से धंधा शुरू करो। रस्ते पे किसी 10 हॉकर बैठे और गर्दी नहीं चलेगी। मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूं, नहीं तो ये फिर से एक बार फैल जाएगा और फैलने के बाद फिर जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी, वो भी जिम्मेदारी मैं नहीं लेना चाहता हूं। मैं किसी के मौत का जिम्मेदार हूं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। और इवन जो P1 P2 बोलते हैं उस तरीके से धंधा करो, मैंने बोल दिया है। सब दुकानें शुरू हो जाएगी, सब बाजारें शुरू हो जाएगी, लेकिन हॉकर के ऊपर कुछ ना कुछ मर्यादा लगेगी। दुकानदार तो उनको कोरोना टेस्ट कराने के लिए आ गया, वो जिसको रैपिड टेस्ट बोलते हैं, जो फेरे दो चार जगह पे है, वो रैपिड टेस्ट में तुरंत पता चलता है आपको कोरोना है नहीं है। व्यापारियों से भी करूंगा कि आपके घर वालों की वो सुरक्षित रखने के लिए आप भी करते रहिए। 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में एक बार करेंगे तो आपको भी एक सुकून सा लगेगा, एक मजबूती आएगी अपने आप में कि हम मुझे कुछ डर नहीं। टेस्ट को पैसे नहीं लगते। 45 मिनट में रिपोर्ट आ जाता है। 2500 रुपए से टेस्ट करने की गरज नहीं, अपन ते रैपिड केलं तर बघू काय। और वो रैपिड टेस्ट में अगर कोई पॉजिटिव आया तो छुपा मत, तुम्हारी दवाई तुम्हारा सबका इलाज हमारे पास है।